हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन एकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मोहम्मद सैफ अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का पॉलिटिकल साइंस के इस वंडरफुल सेशन में। फ्रेंड्स, आज जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो टॉपिक है माओ ज़ेडोंग। तो आज हम माओ ज़ेडोंग के बारे में पढ़ने वाले हैं और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बेहतरीन टॉपिक है आज माओ ज़ेडोंग के बारे में। तो गाइस, हम शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। तो सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। गुड, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रतीक्षा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पूजा जी, निशा जी, सीमा जी, अभी, बबीता, वर्तिका सैनी, नन्हे विचार, सचिन राम जी, शुभ संध्या जी भाई, शुभ संध्या। एंड सभी को मेरा गुड इवनिंग और ज़बरदस्त। चलें आगे, हम देख के चलते हैं आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं माओ ज़ेडोंग के बारे में। और इंट्रोडक्शन तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर मेरा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और अगर अभी तक आपने एन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है गैस, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि फौरन गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां से एन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप एन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे एन अकेडमी आपको वहां 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक का प्लान प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और मैं हमेशा की तरह आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप कम से कम 12 मंथ या 24 मंथ तक का प्लान लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। देखिए, एक नई स्लाइड मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं और आप देख सकते हैं कि ये रही अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होगा। देखिए, अभी तक अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यूपीएससी के लिए चलता था और जेई के लिए होता था, नीट के लिए होता था, लेकिन अब आपके एनटीए यूजीसी नेट में भी अनअकैडमी ने आपके लिए आइकॉनिक सेक्शन की शुरुआत कर दी है। यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस की, तो देखो प्लस में और आइकॉनिक में फर्क क्या होता है, इसको मैं आज आपको बेसिक चीजें बता दे रहा हूँ और फिर आप इसका फायदा समझ सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं आपको आइकॉनिक की वजह से। प्लस का मतलब यहाँ पे आप लोग जो एडमिशन लेते हैं ना, 1 मंथ 3 मंथ और 6 मंथ का, ठीक है। और आइकॉनिक कोर्स उन्हीं को प्रोवाइड किया जाएगा जो कम से कम 12 मंथ या 24 मंथ तक का प्लान लेंगे, ये भी याद रखिएगा। देखो बच्चों, इसमें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कुछ चीजें कॉमन होंगी 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ और 12 मंथ और 24 मंथ में, ठीक है। जैसे लाइव क्लासेस दोनों में होंगी, प्लस पर भी आपको मिलती रहेंगी, आइकॉनिक पर भी मिलती रहेंगी। टेस्ट सीरीज दोनों पर होंगे, दोनों पे आप, दोनों प्लेटफॉर्म पे आप मिलेंगे आपको। अनलिमिटेड प्रैक्टिसेस आपको बच्चों दोनों जगह पे, ध्यान रहिए, दोनों जगह पे आपको कराया जाएगा। और एक स्ट्रक्चर शेड्यूल भी आपको दोनों जगह ही मिलेगा। लेकिन अब देखिएगा, आइकॉनिक प्लान का फायदा क्या है, सब्सक्रिप्शंस का फायदा क्या है, इसको आप जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा, पर्सनल कोच आप यूं कह सकते हैं, पर्सनल मेंटोर आपको दिया जाएगा, जैसे यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करा रही है नीट जेई के लिए, तो उसी तरीके से आप यूजीसी नेट के लिए भी अनअकैडमी ने आप लोगों को पर्सनल कोच दिया है। पर्सनल कोच क्या होगा, कभी भी आपको कोई जरूरत होगी आप पर्सनल कॉल करके पर्सनल तरीके से आप उनसे बात कर सकते हैं और अपने डाउट को, अपनी प्रॉब्लम को उनसे बता सकते हैं, आपको वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। सोचिए आपके लिए पर्सनल कोच का, जी हाँ, ठीक है, ये आइकॉनिक का प्लान है। और साथ ही साथ स्टडी प्लानर्स भी मिलेगा आपको, वीकली रिव्यूज भी दिए जाएंगे, पूरा का पूरा स्टडी बूस्टर सेशन होगा, उसके बाद आपके डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे और एसओपी स्टेटमेंट ऑफ आप पर्सनल का आप यहाँ पे कह सकते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, यहाँ पे इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपकी कराई जाएगी। जैसे आप लोग को मालूम है, जैसे आप लोग इंटरव्यू के भी प्लान आप लोगों को पूरी के तरीके से आप लोगों को यहाँ पे कवर कराए जाएंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ आइकॉनिक के स्टूडेंट्स को ही यहाँ पे मिल पाएगा वो प्लान। और साथ ही साथ पूरी की पूरी स्टडी मटेरियल्स भी अब आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे अनअकैडमी की तरफ से, स्टडी मटेरियल भी अब आप लोगों को जल्द मिलेगी। तो सोचिए गाइस, इतने ज्यादा बेनिफिट हैं आइकॉनिक पे, और खासकर अगर आप 12th मंथ या 24 मंथ तक का प्लान लेते हैं तो, ठीक है। पर्सनल कोच तो मैंने आपको बता दिया ना, आप देख सकते होंगे यहाँ पे स्लाइड पे, पूरा का पूरा स्टडी प्लानर आपको पूरा प्लान करके दिया जाएगा, साथ ही साथ कैसे करना है, क्या नहीं करना है, बिल्कुल सारी पूरी की पूरी टीम आपके साथ रहेगी। स्टडी बूस्टर सेशन होगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग चीजें की जाएंगी आपके साथ है, स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस होगा, स्ट्रक्चर कोर्स होगा, ठीक है, इंटरव्यू प्रिपरेशन कराई जाएगी आप सभी के लिए। और अपकमिंग बैचेस की शुरुआत हो चुकी है,
ये चीजें याद रखिएगा बच्चों। और एक कॉम्बैक्ट आप अनअकैडमी आपके लिए देखिएगा, कॉम्बैक्ट ठीक है, एक कॉम्बैक्ट कोर्स लेकर के आप लिए आया जा रहा है, वो 17th ऑफ, आप यूं कह सकते हैं कि 17 जनवरी संडे को आपको 11 बजे एक आपका एक लाइव समझ लीजिए टेस्ट होगा, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो जल्दी से आप अनअकैडमी के प्रोफाइल खोल करके रजिस्ट्रेशन कर दीजिए वहां पे, और वहां पे मेरा कोड यूज कर दीजिएगा। तो अब आप वहां पे देखेंगे पूरा बहुत ही अच्छी आपको वहां पे चीजें कराई जाएंगी। तो आपके जो भी एनालिसिस होंगे आप देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है, तो इसको देखिएगा ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और हाँ यूज माई रेफरल कोड प्लीज SAF10। तो जैसे ही आप SAF10 यूज करते हैं आपको बच्चों वहां पे 10% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, आप मंथली फीस भी आप अपनी पे कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें आपको बताना था और आज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए अब हम अपने शुरुआत करते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, ये सारी चीजें आप लोगों को दी जाएंगी। चलो माउस हेडॉन के बारे में शुरुआत करते हैं। और अभी जी आप पूछ रहे हो कि सर आपका नोटिफिकेशन नहीं आता, मेरा नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता? भाई बाकी बच्चों को तो मिलता होगा आई थिंक, मेरा नोटिफिकेशन मिल जाता है सभी को। मेरा गुड इवनिंग भाई अर्शिया जी, अभी शर्मा, नोटिफिकेशन आपने हो सकता है बेल आइकन वगैरह पे क्लिक ना किया हो। बाकी बच्चों को मेरा नोटिफिकेशन मिल जाता है ना, मेरी अपकमिंग क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन तो जरूर मिल जाते होंगे सभी को। चले गाइस शुरुआत करते हैं अपने आज के इस लेक्चर की। माओ जडोंग के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं, तो माओ के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे ठीक है। और नोटिफिकेशन आता है अभी देख लीजिए, पूजा जी बोल रही हैं जैसे आता है नोटिफिकेशन तो आएगा भाई, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आएगा, आ जाएगा सब कुछ मिल जाएगा आपको। चलो बच्चों माओ जडोंग के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। ही वॉज बर्न ऑन 26th of December 1893 इन चाइना। तो सबसे पहले देखते हैं इनके बारे में, आपने माओ का नाम तो जरूर सुना होगा चाइना रेवोल्यूशन में, चीनी क्रांति और चाइना से ये बिलोंग करते थे। तो हम इनके विचारों के बारे में, इनके थॉट्स के बारे में आज यहाँ पे देखेंगे कि क्या था इन्होंने, क्या अपनी सारी पॉलिटिकल थ्योरी की थ्योरी क्या थी, इनकी थॉट्स क्या थे। तो हम इनके रेवोल्यूशन पे कॉन्सेप्ट क्या थे, इनकी वर्क्स क्या थे, सब कुछ देखेंगे। और उससे पहले शुरुआत करते हैं इनके बेसिक इंट्रोडक्शन से। ही वॉज बर्न ऑन 26th December 1893 इन चाइना। तो ये चाइना में पैदा होते हैं 26 दिसंबर 1893 को। शाओशान देखिएगा, शाओशान एक विलेज था ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब लगते होंगे आप लोगों को। शाओशान विलेज था, वो हुनान चाइना का हुनान प्रांत होता है ना, आपने सुना होगा न्यूज में जरूर, चाइना का हुनान प्रांत में शाओशान गांव में इनकी पैदाइश हुई थी 26th of December 1893 को चाइना में। ये एक पीजेंट फैमिली से बिलोंग करते थे, एक किसान परिवार से बिलोंग करते थे। इनके फादर का नाम था माओ येचांग ठीक है। और इनकी जो माँ थी, माओ की माओ चाइल्डहुड वॉज, पहले इनकी चाइल्डहुड के बारे में देखते हैं। माओ चाइल्डहुड वॉज नॉट वेरी इजी एंड वॉज ऑफन बीटन बाई हिज इल टेम्पर्ड फादर। बचपन में अपने अपने फादर से बहुत मार खाते थे, इनके फादर थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा टेम्पर्ड किस्म के इंसान थे, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड आप इसे कहते ना कि बात बात पे गुस्सा हो जाना। तो मार खाना तो अच्छी बात है, लगभग सभी लोग अपने फादर से मार खाए होंगे मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन बचपन में इस इतना ज्यादा नहीं मारना चाहिए जितना ज्यादा बाकी के पेरेंट्स नहीं करते हैं। माओ के फादर ने बहुत ज्यादा इन पे मार खाते थे ये ठीक है। और फिर देखते हैं माओ की जो मदर थी वो एक रिलीजियस मदर थी, यानी कि आप डिवोट बुद्धिस्ट, वो एक बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा उनका डिवोट था ठीक है ओके। तो बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा उनका लगाव था, जुड़ाव था, और एक धार्मिक प्रवृत्ति की इनकी माँ थी, माओस मदर ठीक है। चलो तो ये चीजें इनके मदर के बारे में हो गया, इनके फादर के बारे में हो गया। इनका बचपन बहुत आसानी से नहीं बीतता था बाकी बच्चों की तरह। देखिएगा जब ये 8 सालों के थे तो माओ एट द एज ऑफ 8 माओ वॉज सेंट टू शाओशान गांव, शाओशान प्राइमरी स्कूल, आप यूं कह सकते हो उसी शाओशान गांव में एक शाओशान प्राइमरी स्कूल था वहां पे बच्चों। तो वहां पे इनका एडमिशन के लिए जाते हैं, वहां पे पढ़ने के लिए जाते हैं। उसके बाद लर्निंग द वैल्यू सिस्टम ऑफ कन्फ्यूशियसिज्म, यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि जो कन्फ्यूशियसवाद था ठीक है, कन्फ्यूशियसिज्म के बारे में ये अच्छे तरीके से वहां पे उनके वैल्यूज के बारे में बच्चों यहाँ पे वो सीखते हैं। और साथ ही साथ एट द एज ऑफ 14 माओ फादर अरेंज अ मैरिज फॉर हिम,
ठीक है। और आपने देखो कन्फ्यूशियस के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा तो, याद आ रहा है कन्फ्यूशियस के बारे में किसी बच्चों को? मैक्सिमम बच्चे ने कन्फ्यूशियस मुझसे पढ़ा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको कन्फ्यूशियस पढ़ाया था। तो माओ देखिएगा कन्फ्यूशियस के विचारों से भी बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रभावित हुए थे, तो आगे हम इसको और देखेंगे, ठीक है। अभी जी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक बार सही से आप फिर से चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, आपको अपकमिंग सारी के सारे लेक्चर सारे टीचर की आपको जरूर मिल जाएगी, मेरी भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। चले प्रेफरेंस में ऑल कर लेना, ये पूजा जी ऐसा बोल रही है। चलो तो एट द एज हो गया, तो हमने इनकी बात की जब ये 14 साल के थे। देखिए सोचिए इतने कम एज में, उस समय जब ये 14 साल के थे, इनके जो फादर थे काफी स्ट्रिक्ट थे, मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा इनको मारते पीटते थे। इन्होंने इनके फादर ने इनके लिए एक लड़की ढूंढी, अरेंज मैरिज करना चाहते थे। सोचिए कि एट द एज ऑफ 14 माओ फादर अरेंज अ मैरिज फॉर हिम, लेकिन वे उस समय ये अरेंज मैरिज के खिलाफ थे, ये इनका कहना था। सोचो उस समय भी माओ मतलब इतनी जबरदस्त इनका दिमाग काम करता था 14 साल की उम्र में, वो ये कहते थे बट ही नेवर एक्सेप्टेड एंड क्रिटिक्स द ऑफ अरेंज मैरिज। इन्होंने कहा कि हम कैसे बिना जाने समझे किसी से शादी कर सकते हैं, तो शादी के लिए क्या होगा, जानना चाहिए ना एक दूसरे को। तो ऐसा देखिएगा माओ का जो विचार था वो अरेंज मैरिज के खिलाफ था, ठीक है। अब आज के समय में अगर कोई करता तो समझ में आता कि, लेकिन उस समय आप सोच सकते हैं कि अरेंज मैरिज के खिलाफ थे ये, और आप यूं कह सकते हैं कि ये लव मैरिज के फेवर में थे अगर इसका दूसरा एंड हम देखें तो। लेकिन अरेंज मैरिज के जो 20 खिलाफ थे वो कहते थे, उनका कहना था कि कैसे बिना जाने समझे कोई किसी से शादी कर सकता है कैसे। तो इसी चक्कर में इन्होंने क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा रूड मतलब इनका रूड बिहेवियर रहता था उस समय, और फिर आगे हम देख के चलते हैं क्या हुआ उसके बाद। आई थिंक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रही हैं यहाँ पे बच्चों, जो आपका ये अभी मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा रहा हूँ माओ ज़ेडोंग के बारे में, ठीक है। तो माओ के बारे में आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं, तो जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। और अभी तक जिन्होंने लाइक शेयर नहीं किया है भाई लाइक कर दीजिए, बहुत कम लोगों ने अभी तक लाइक किया है, जो कि लाइक ज्यादा है लाइक कम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लाइक कर दिया करो, उसको शेयर कर दिया करें, ठीक है गाइस। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो मेरे वीडियोस को, और इसको मैक्सिमम शेयर कर दिया करो, ठीक है गाइस। चले हम शुरुआत करते हैं अपने, ओके थैंक यू, ओके चलो अब हम आगे देख के चलते हैं। 14 साल की उम्र में इनकी अरेंज मैरिज हो रही थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, और चले आगे देखते हैं। इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, देखिए आप अगर मैं ये बात बोलूं कि ये इनकी आप स्टडी को देख के चलते हैं, एक्चुअली ये पता है बहुत जबरदस्त रीडर भी थे, रीडर की बात मैं बता रहा हूँ अभी यहाँ पे, कि मतलब ये पढ़ते बहुत जबरदस्त थे। तो अभी इनके बारे में भी हम देखेंगे, इनका जहन बहुत ही जहन नशीन नहीं आप कह सकते, बहुत तेज दिमाग था इनका। आगे हम यहाँ देखे चलते हैं। इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, माओ वॉज इंस्पायर्ड बाई द जॉर्ज वॉशिंगटन एंड नेपोलियन बोनापार्ट। ये माओ जो थे वो इंस्पायर्ड हुए थे बच्चों किससे, जॉर्ज वॉशिंगटन से और नेपोलियन बोनापार्ट से, ये बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे, ठीक है। और एट द एज ऑफ 16 माओ माओ मूव टू अ हायर प्राइमरी स्कूल वेयर ही वॉज बुलीड बाई फॉर हिज पीजेंट बैकग्राउंड। मतलब कि जब 16 साल के थे ये, आप फिर हायर प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे इनको काफी बच्चे लोग परेशान करते हैं, चिढ़ाते हैं आप यूं कह लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक बैकग्राउंड इनका पीजेंट बैकग्राउंड था, इस वजह से ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन भी वहां पे फेस करते थे। आगे देख के चलते हैं। और सबको मालूम है कि माओ ने ड्रॉप कर दिया था स्कूल, ठीक है। तो ही वॉज अ ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल एंड मेनली स्टडीज इंडिपेंडेंटली। तो ये इन्होंने बाद में स्कूल ड्रॉप आउट किया और उसके बाद मेनली स्टडीज इंडिपेंडेंटली, तो ये अपने सेल्फ पढ़ाई किया करते थे, सेल्फ स्टडी किया करते थे, ठीक है। तो आपसे भी मैं कहता हूँ सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जान लीजिए। तो इन 1918 को फिर देखिए क्या हुआ था, 1918 में माओ ग्रेजुएटेड फ्रॉम द हुनान। उसके बाद फिर से ये ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हैं 1918 में, और माओ ग्रेजुएटेड फ्रॉम द हुनान फर्स्ट नॉर्मल स्कूल, याद रखिएगा फर्स्ट नॉर्मल स्कूल से ये ग्रेजुएशन करते हैं, बिकमिंग अ सर्टिफाइड टीचर, और वहां पे ये एक सर्टिफाइड टीचर भी बनते हैं। लेकिन इसी साल इनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख आता है बच्चों, बहुत गम आता है, दैट द सेम ईयर हिज मदर डाइड। इसी साल जिस साल ये टीचर बनते हैं, माओ जब टीचर ही बनना चाहता था ना, तो जिस साल ये एक सर्टिफाइड टीचर बनते हैं उसी साल इनकी मदर की डेथ हो जाती है। तो ये इनकी जिंदगी काफी ज्यादा गम हो जाता है उनको वहां पे। हम्म
बिल्कुल प्रतीक्षा जी के विचार मतलब जबरदस्त तरीके से रहते हैं। आगे हम यहां लेके चलते हैं। ही वॉज अ ड्रॉप आउट हो गया, फिर 1980 में माओ ग्रेजुएट करते हैं और उसी साल ये टीचर बनते हैं और उसी साल इनकी मदर की डेथ हो जाती है। आगे देख के चलते हैं क्या होता है। ही फाइनली फाउंड अ पोजीशन एज अ लाइब्रेरियन असिस्टेंट इन बीजिंग यूनिवर्सिटी में। देखो फिर ये लाइब्रेरियन असिस्टेंट बनते हैं बीजिंग यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और एट द टाइम ही हर्ड ऑफ द सक्सेसफुल रशियन रेवोल्यूशन, और इसी समय ये रूसी क्रांति जो हुई रहती है ना, तो उसके बारे में, उसके सक्सेस के बारे में ये सुनते हैं, पढ़ते हैं, और उसी के जैसे विच एस्टैब्लिश द कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन, ठीक है, विच एस्टैब्लिश द कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन। तो जिस तरीके से वहां पे रशियन क्रांति के बाद सोवियत यूनियन का अपना कम्युनिस्टों का पूरा चीजें चली थी, तो माओ भी दिखेगा यहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी का ये दिखेगा। फाउंडर मेंबर्स में से एक मेंबर्स थे, इन्होंने भी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी और पूरी तरीके से ये कम्युनिस्ट पार्टी को फॉलो करते थे। और आज भी देखिएगा दुनिया में बहुत से देश हैं, बहुत से ऐसे जगह पे आज भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी तो हमारे यहाँ भी है, सीपीआई, सीपीआईएम वगैरह, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिज्म है कि नहीं, सारी की सारी चीजें। तो उसी हिसाब से ये रशियन रेवोल्यूशन को सुनते हैं, उनकी सक्सेस के बारे में पढ़ते हैं और फिर इनका दिमाग और आगे खुलता है। कहते हैं अच्छा ये बात है, क्रांति लाई जा सकती है, क्रांति की जा सकती है। तो इसी तरीके से फिर ये आगे बढ़ते हैं 1921 में, और इसी सारे विचार इनके मन में गूंजते रहते हैं। तो 1921 में ये क्या करते हैं, फाइनली 1921 में ही बिकम वन ऑफ द इनॉर्गल मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो 1921 में ही बिकम वन ऑफ द इनॉर्गल मेंबर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। 1921 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बनाई जाती है और ये उसके फाउंडर मेंबर्स में से एक मेंबर्स होते हैं। तो उसके बाद इनकी जो डेथ हो जाती है 8 दिसंबर 1976 को, 8 दिसंबर 1976 को डेथ हो जाती है। देखिए आप लोगों के जो कुछ क्वेश्चन है आकांक्षा दी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन को लेकर के, तो बिल्कुल इसके लिए आपको देखिए सेपरेट वीडियोस आपके डाउट सेशन में लेके आए जाएंगे, वहां पे आपको जरूर बता दिया जाएगा कि सारी चीजें आपकी एमएससी के बाद क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल यूजीसी नेट की प्रिपरेशन तो आप कर ही सकते हैं, अगर आपके आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को आप क्लास के दौरान ना पूछा करें तो बेहतर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो टॉपिक से रिलेटेड चीजें हो वहां पे बात करिए तो बहुत अच्छी चीजें हैं। बाकी मैं आप सबके लिए मैं खुद कहता हूँ कि वीकली में कम से कम वीक में एक दिन आपको एक कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दूँ। तो कल मैंने, कल नहीं, डे आफ्टर टुमारो आप यूँ कह सकते हैं कि सैटरडे को मैंने एक चीज सोचा है आप लोगों के लिए, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दी जाए आपको, ठीक है। वो 20 मिनट से 30 मिनट की रहेगी, बहुत लॉन्ग नहीं करूंगा, कि आसानी से आपको हर हफ्ते कम से कम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरी तरफ से आप लोगों को मिलती रहे। आपके पेपर वन और पेपर टू से रिलेटेड सारी चीजें, आपके स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपके करंट से रिलेटेड, ठीक है। आपके जितने भी डाउट होंगे आकांक्षा जी वहां पे भी क्लियर कर दिया जाएगा, ओके। तो मैं जल्दी ही आपके लिए लेके आ रहा हूँ और इसी सैटरडे को लेके आऊंगा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, तो आप लोग वेट करिए मेरी उस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के, ठीक है। मैक्सिमम उसके लिए आप लोग लाइक शेयर कर दिया करें जबरदस्त तरीके से, कि सैफ सर कुछ लेकर के आने वाले हैं, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और प्लीज मेरी स्पेशल क्लास में अभी कम लोग आ रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पर काफी ज्यादा लोग थे और वो सारे के सारे लोग स्पेशल क्लास में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो देखिए, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 11 बजे स्पेशल क्लास हो रही है, जब तक कि पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पर कुछ इशू चल रहे हैं, लेट्स क्रैक की क्लासेस वहां पर ट्रांसफर हुई है। जैसे सब कुछ सही हो जाएगा फिर से मैं पॉलिटिकल साइंस के चैनल पे आ जाऊंगा, लेकिन आप लोग स्पेशल क्लास जरूर ज्वाइन करिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी प्रोफाइल आप सर्च करिएगा सैफ, मोहम्मद सैफ अहमद के नाम से, आपको मिल जाएगी और अपने सारे डाउट वहां पे आप स्पेशल क्लास में कर सकते हैं सारी चीजें। चलो गैस आगे हम देख के चलते हैं। उसके बाद इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह बनाई और 8 दिसंबर 1976 में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। यहां तक तो इनके बारे में एक शॉर्ट में मैंने एक इंट्रोडक्टरी लाइफ बता दी, इनके शुरुआती जीवन कैसे था और कैसे कैसे इन्होंने काम किया, कैसे कैसे ये आगे बढ़े हैं। तो अब आप सब लोग कमेंट करके बता दीजिए क्या आपको माओ ज़ेडोंग के बारे में बेसिक चीजें समझ में आ गई कि नहीं। आपको एक इंट्रोडक्शन
माओ के बारे में अगर समझ में आ गया हो बच्चों, तो हम बहुत तेजी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और फिर इनके कुछ और थॉट्स को यहाँ पे देख के चलते हैं, कुछ मेन वर्क्स को देखेंगे चलेंगे, इनकी रिवोल्यूशन के थॉट्स को देख के चलेंगे, इनकी फॉरेन पॉलिसी को समझेंगे। तो माओ की बहुत सी थ्योरी है, मजेदार चैप्टर है ये, आप यू गाइस, ये मजेदार टॉपिक है, तो मजा आएगी पढ़ने में और पढ़ाने में भी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताते रहिए सब कुछ क्लियर हो रहा है, और लाइक शेयर करते रहिएगा। आइए गाइस, अब हम इनके मेन वर्क्स के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। चलो, तो कुछ मेन वर्क्स है तो उसको भी मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और सबसे पहला जो इनका मेन वर्क्स है, इज मेन वर्क्स, तो उसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि यूजीसी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। चलो, थैंक यू आप सभी का। चलो, बहुत अच्छा, थैंक यू सभी का शुक्रिया यहाँ पे कि आप सब लोगों को समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि चीजें क्लियर हो रही हैं। चलो गाइस, हम यहाँ पे इनके मेन वर्क्स को देखते हैं। सबसे पहले तो न्यू डेमोक्रेसी, ठीक है, न्यू डेमोक्रेसी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ऑन कोलिशन गवर्नमेंट established in published in 1945 on coalition government new democracy, ठीक है, इसका year देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे नहीं mention किया है। आगे देख के चलते हैं, on contradictions 1937 में published हुई थी, on guerrilla warfare, देखिए guerrilla war के पक्ष में भी थे, ठीक है, मारो और मार के भाग जाओ, फौरन छुप जाओ, मारने के बाद छुप जाओ, गोरिल्ला वार यही तो होता है ना, गोरिल्ला वॉरफेयर 1937 में पब्लिश्ड हुआ था। ऑन प्रोटेक्टेड वॉर 1938, एंड लास्ट में आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक रूल 1949। आई होप आप लोगों ने यहाँ पे इसको देख लिया है, इनके मेन वर्क्स को, तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं अब इसको रफ कर दूं तो फिर आगे बढ़ता हूँ इनके कुछ रेवोल्यूशंस को लेकर के, क्रांति से संबंधित माओ के क्या विचार थे, ठीक है। तो क्रांति को हमने बहुत समय से देख रहे हैं, क्रांति रेवोल्यूशन तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या होता है एक्चुअली, रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसके डेफिनेशंस क्या होती है, और लेकिन सबके जितने भी थिंकर्स हैं सबके लिए अपनी अपनी क्रांति अलग अलग मायनों में थी, किस तरीके से वो आज़ादी चाहते थे, किस तरीके से वो चेंज लाना चाहते थे, कहाँ से वो इंस्पायर होते थे, कहाँ से उनका सोर्सेस क्या था, सबको मैंने अलग अलग थिंकर्स में मैंने आपको पढ़ाया है। तो आइए आज हम माओ के बारे में आपको पढ़ाते हैं, माओ ज़ेडोंग के रेवोल्यूशंस के बारे में, ओके गाइस। चलो, एक सेकेंड, चलो चले माओ से रिलेटेड, क्रांति से संबंधित इनके विचार को यहां समझते हैं। और इससे पहले मैं इसको रफ करता हूं और आप लोग प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना। चलो, आइए माओ से संबंधित क्रांति को समझते हैं। रिवॉल्यूशन, सबसे पहले तो हम देखते हैं द चीफ कंट्रीब्यूशंस ऑफ अ माओ इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल थॉट इन हिज आइडिया अबाउट रिवॉल्यूशन। माओ का जो रिवॉल्यूशन का आइडिया है वो पॉलिटिकल थॉट में एक मेजर कंट्रीब्यूशन देता है, यानी कि माओ का जो भी रेवोल्यूशन का आइडिया है, माओ का जो रेवोल्यूशन का आइडिया है ये पॉलिटिकल थॉट्स में, बच्चों ये पॉलिटिकल थॉट्स में एक मेजर कंट्रीब्यूशन देता है। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि पॉलिटिकल थॉट्स में एक मेजर कंट्रीब्यूशन देता है माओ का रेवोल्यूशन का आइडिया। ओके गाइस, आगे हम देख के चलते हैं फिर क्या है। इन ऑन कॉन्ट्राडिक्शंस, इन्होंने अपनी कॉन्ट्राडिक्शंस में जो इनकी मेन वर्क्स थे कॉन्ट्राडिक्शंस 1937 में जब पब्लिश हुई थी, तो इन्होंने इस बुक में बताया है, ही ऑब्जर्व दैट अ रिवॉल्यूशन इज अ जनरली कॉज्ड बाय द इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। यानी इनका कहने का मतलब है जो क्रांति होती है वो समाज में इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से होती है,
समाज में जो भी क्रांति होती है बच्चों, वो क्रांति किसकी वजह से होती है? समाज में इंटरनल कंट्राडिक्शन की वजह से क्रांति होती है। यानी जो कैपिटलिस्ट क्लास है और रूलिंग क्लास में जो भी कंट्राडिक्शंस है, वो कंट्राडिक्शंस इंटरनली कंट्राडिक्शंस की वजह से हो रहा है। और इसी कंट्राडिक्शंस को रिमूव करने के लिए रिवोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है? इसी कंट्राडिक्शंस को रिमूव करने के लिए एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति की जरूरत पड़ती है। और ऐसी क्रांति, माओ का मानना था ऐसी क्रांति तभी लाई जा सकती है जब एक पार्टी हो, जब एक पार्टी बनाया जाए, एक पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश किया जाए। तो ऐसी क्रांति बिना पार्टी के नहीं ला सकते हैं, वहां पे एक कम्युनिस्ट पार्टी होनी चाहिए। तो देखिए, माओ कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से भी एक है, और साथ ही साथ इनका मानना है कि अगर हमें क्रांति लानी होगी तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, एक कम्युनिस्ट पार्टी को क्रिएट करना पड़ेगा, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और उसी पार्टी के थ्रू ही हम समाज में, देश में क्या कर सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लोगों को हम क्रांति के प्रति मोटिवेट कर सकते हैं। ऐसा माओ का मानना था और ये इंटरनल कंट्राडिक्शंस को खत्म करना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे देख के चल रहे हैं कि माओ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है तो उसमें क्या हुआ था, उसके बाद फिर माओ का और क्या कह रहे थे, इसको हम देख के चलते हैं। एक्चुअली बच्चों, माओ का जो क्रांति है ना, माओ का कहना था कि वर्किंग क्लास के साथ साथ हमें किसानों की भी मदद देनी चाहिए। तो देखो, माओ बहुत ही अच्छे एक पॉलिटिकल थिंकर भी हैं, यूं कह लीजिए आप, ठीक है। और एक बहुत जबरदस्त तरीके से इनको बारे में मैंने आपसे बताया ना कि जो ये बहुत अच्छे रीडर भी हैं बच्चों, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त तरीके से एक इनके बारे में क्या कह सकते हैं आप, कि इतने जबरदस्त तरीके से रीडर हैं कि इनको बहुत सारे नॉलेज भी है। और आपने कॉमन चीजें देखा होगा, जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, यूं करके बहुत ही महान हुए हैं, और वो सब महान व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी जरूर थी कि वो बहुत जबरदस्त तरीके से वोरेसियस रीडर थे। वो क्या थे बच्चों? एक वोरेसियस रीडर थे, यानी कि इतनी जबरदस्त तरीके से वो किसी चीज के बारे में पढ़ते थे, खूब ज्यादा पढ़ाई किया करते थे। और माओ के बारे में ऐसा कहा जाता है, जब ये खेतों में काम करते थे तो उस दौरान भी इनको जब मौका मिलता था तो भी ये पढ़ते रहते थे। तो इस तरीके से एक हर काम, आप यूं कह लीजिए जो भी महान व्यक्ति बने हैं उनके अंदर एक कॉमन पॉइंट ये रहा है कि बच्चों, ये पढ़ते खूब थे, अच्छे एक वोरेसियस रीडर बहुत अच्छे तरीके से थे। तो देखिए, इसी हिसाब से जितने ज्यादा पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा इनका माइंड इतना ज्यादा खुलता चला गया, माइंड इतनी ज्यादा क्रिएटिव होता चला गया, जिससे ये रेवोल्यूशन के थॉट्स वगैरह आते रहे। फिर कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, फिर पूरी तरीके से ये देखिए अपनी पॉलिटिकल थ्योरीज दे रहे हैं और किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई का कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे भी कहता हूँ कि देखिए, किताबें बहुत अच्छे दोस्त होते हैं आपके, ठीक है। तो किताबें वाकई बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, ये कभी भी आपके साथ चीट नहीं करते। तो प्लीज, सबसे पहला दोस्त तो आप अपनी किताबों को बनाइए और जबरदस्त तरीके से इनसे दोस्ती करिए और पढ़िए और आगे बढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 24 घंटा आप पढ़ते रहो, ठीक है। तो हर चीज का एक वक्त होता है, बैलेंस लाइफ बना के चलिए कि आपको पढ़ना कितनी देर है, कितनी देर सोना है, कितनी देर घूमना है, कितनी देर और भी अपने टाइम स्पेंड करने हैं। तो इस हिसाब से बैलेंस तरीके से, ऐसा ना हो कि आप मेरी बात जाएं और 24 घंटा पता चला एक रूम में लॉक कर लिया पढ़ते रहेगा कि साहब सर ने बोला है तो अब तो महान बनना है। तो महान इस तरीके से नहीं बना जाएगा। तो याद रखिएगा, इतना पढ़ करके भी आप महान नहीं बनेंगे। तो एक चीज है, आपके अंदर बहुत ही ज्यादा कहते हैं जिज्ञासा होनी चाहिए किसी भी चीज को लेकर के। आपके अंदर पढ़ाई जब तक कि आपको आनंद ना दे, मजा ना आए पढ़ने में, तब तक भी पढ़ना नहीं चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं, इतने मन से पढ़ाई करो कि आपको मजा आने लगे पढ़ते पढ़ते, तो फिर समझ लो आपकी सही डायरेक्शन पे हो। ओके, ये सब इतना पढ़ते थे इसीलिए हम इन्हें पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, ठीक है, कि ये सब इतना पढ़ते थे इसलिए हम इन्हें पढ़ रहे हैं। तो करेंगे क्या, क्रांति तो इन्हीं लोगों ने दिया है ना, पूरा का पूरा विचार, पूरी की पूरी सोचे, चेंज ला दिया देश का, देश इन्होंने चेंज कर दिया है। पूरा का पूरा इतनी जबरदस्त तरीके से इनकी रेवोल्यूशन के थॉट्स आज भी कहते हैं ना, आप रिलेवेंस है आज के समय में भी, ठीक है। लेकिन हाँ, देखो बच्चों, मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी को आप 100% सही नहीं कर सकते, चाहे वो मार्क्स हो या माओ हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं उनको क्रिटिसाइज कर सकते हो। तो माओ को भी देखिए, कुछ लोग बहुत हीरो, अपने हीरो मानते हैं। माओ जेडोंग को देखिए, कई ऐसे लोग हैं, इनके लाखों फॉलोअर हैं दुनिया में,
लेकिन देखिए कुछ लोग इन्हें मतलब फॉलो नहीं करते हैं, इनको क्रिटिसाइज करते हैं, तो बिल्कुल इंसान है, तो इनमें भी अपने इनकी जो थ्योरी हो जरूरी नहीं कि ना सारी थ्योरी सब कुछ सटीक ही बैठे आज के समय में, तो उस हिसाब से इनको क्रिटिसाइज भी किया गया है और इनको लोग फॉलो भी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब खैरुल जहां आप इतना जबरदस्त तरीके से क्यों हंस रहे हैं वर्तिका जी? चलो मजा आ रही बच्चों, तो अगर मजा आ रही है, अच्छा लग रहा हो लेक्चर मेरा, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा, और महान बनने के चक्कर में अपने आप को रूम में लॉक मत कर लीजिएगा। पता चला कि आज ही आप जाओ और कहो कि सैफ सर ने बोला है अब तो हमको लीडर बनना है, बेहतरीन मतलब महान व्यक्ति बन के निकलेंगे एक साल बाद, तो ऐसा नहीं होने वाला है, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ठीक है, तो मेंटली ज्यादा टेंशन मत लिया करो, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए, हंसते हंसाते यूं ही जिंदगी गुजारते रहिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए, अपनी लाइफ खूब बेहतरीन तरीके से जीते रहिए। ठीक है, चलो तो अच्छा, बहुत मजा आ रही है खैरुल जी, अच्छी बात है। तो मैं चाहता भी ना कि आप पढ़ते पढ़ते हंसा भी करो, मतलब एकदम बोरिंग लेक्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ पता चला करके पढ़ाता चला जा रहा हूँ और बच्चों को आधा समझ में आ रहा आधा नहीं आ रहा, या पूरा का पूरा साफ हो जा रहा बाउंस हो जा रहा है, तो इस तरीके से मजा मुझे पढ़ाने भी मजा नहीं आता। ठीक है, तो आप लोगों से अभी तो कम मजा आ, लेकिन कोशिश यही करूंगा कि आप इस तरीके से पढ़ाई करें कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होता रहे। ठीक है, तो हमारी पढ़ाई भी हो जाए और थोड़ा बहुत हंसी मजाक होता रहे, और इस हिसाब से हम लोग क्लास में कोई भी बोरियत नहीं होने देंगे, आराम से आप ही चलें। वर्तिका जी का बहुत हंसा दिए, तो हंसना भी तो जरूरी है ना। ठीक है, एक बार तो ऐसे मैं पार्क में गया था, देख रहा था कि मतलब कुछ लोग थे ऐसे सीनियर लोग थे, वहां पे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हंस रहे थे, तो फिर शुरू में मैं छोटा था तो डर जाता था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि हंसना भी एक एक्सरसाइज होती है। ठीक है, और आज भी आप देखते होंगे कि ऐसे आप कभी जाइए, देखिए हमने कहा थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ जरूर जिए, किताब मतलब रटने वाली लाइफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, दूसरे को कॉपी करने वाली लाइफ नहीं होनी चाहिए, अपनी लाइफ एकदम मजेदार तरीके से जियो भाई। मैं तो यही करता हूँ कि आपकी अपनी लाइफ है और खूब खुल के जीना चाहिए और जबरदस्त तरीके से देना चाहिए, जब मन चाहे खूब हंसिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ इस तरीके से मत हंसिएगा लोग पागल कहने लगे आपको, इसको देखो क्या हो गया है तो हंस रहा है हर वक्त ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसे जब जाता था ना, तो जब काफी छोटा था तो पार्क वगैरह में जाता था, देखता था कि लोग चिल्ला चिल्ला के हंस रहे हैं, तो मुझे लगता था क्या हो गया इन्हें, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि योगा और ऐसे एक्सरसाइज करते हैं ना सुबह सुबह लोग पार्क में, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि अच्छा ये भी एक लोग की एक्सरसाइज है। फिलहाल तो अब शायद नहीं देखने को मिलता ऐसा। पूजा जी और किसने किसने देखा है? पूजा जी ने तो देखा है भाई, मुझे लगता है पूजा जी और बाकी लोग का कोई कमेंट नहीं है तो शायद नहीं देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन मैंने तो देखा, मैंने बहुत मजा किया है, तो बिल्कुल मजा करना चाहिए और आज भी मजा कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपने करियर को अपनी चीज़ों को सामने रखते हुए उस पर लगातार चलते हुए एंजॉय करेंगे तभी आपको मजा आएगी। ठीक है, तो पहली प्रियोरिटी आपकी जो आप जिसका करियर है आपका वही पहली प्रियोरिटी होनी चाहिए। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने एक बहुत अच्छी स्पीच दी थी और उन्होंने वहां पे ये बोला था कि फर्स्ट थिंग कम फर्स्ट एंड फर्स्ट थिंग्स टू बिकम इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो वहां पे एक ऐसी कुछ स्पीच वहां पे उन्होंने दिया था, इसका मतलब है कि जो पहली चीज है उसकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए पहले नंबर पे आनी चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं आपसे कहूंगा कि आपकी भी लाइफ की अपनी प्रायोरिटी, अभी आपका करियर है तो ज्यादा ध्यान अपने करियर पे दीजिएगा, सबसे पहला फोकस तो यही होना चाहिए। हाँ चलो, हंसना उत्तम टॉनिक है, चलो अच्छी बात है भाई, लॉफिंग थेरेपी होती है, जी हाँ सही बोला आपने पूछा जी। ओके तो बच्चों चलो, तो अब हम थोड़ा बहुत हंस लिए हैं हम लोग, तो अब हंसते हंसते अपनी थेरेपी पूरा कर लिया है आज हमने यहाँ पे, आइए अब माओ को माओ जेडोंग को पढ़ लेते हैं और इनकी थेरेपी को भी हम समझते हैं कि इनकी भी क्या थेरेपी थी। चलो थैंक यू आप सभी का, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा ऐसे हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, आपकी लाइफ भी खुश हो, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है, इंशाल्लाह ऐसा ही हो आप लोगों के साथ। चलो तो फिलहाल आगे देख के चलते हैं। तो माओ ने क्या किया, माओ का कहना था कि वर्किंग क्लास के साथ साथ बच्चों हमें किसानों की भी मदद लेनी होगी, अगर हमें जबरदस्त तरीके से क्रांति करना है तो किसानों की भी मदद देनी होगी। माओ ने क्रांति की विस्तृत चर्चा कर मार्क्स के विचारों को इस दिशा में आगे बढ़ाया है। देखो साथ ही साथ कहीं ना कहीं माओ ने मार्क्स के भी कुछ विचारों को
आगे बढ़ाने की कोशिश की है। देखिए क्रांति तो गजब का थॉट मार्क्स का भी था ना, क्रिटिसाइज इनको भी हमने किया था, लेकिन कुछ थॉट्स इनके जबरदस्त तरीके से थे। उसी तरीके से माओ के भी थॉट्स क्या है बच्चों, जबरदस्त तरीके से हैं, ठीक है। अब आप लोग इतना हंसाएंगे तो हम आपको पढ़ा पैसे पाएंगे ना, तो आप लोग भी कमेंट करके हंसा रहे हैं मुझे। तो अब खैरुल जहां जी बोल रही है कि सर मम्मी बोल रही है और हंसो, तो अच्छी बात है, मम्मी की बात माननी चाहिए। वैसे भी अपने से बड़ों की और खासकर आप माता पिता वालिदैन की बात तो जरूर माननी चाहिए। तो इनकी अजमत को भी बहुत महान होते ना ये, तो इनको भी जरूर बात में माननी चाहिए, लेकिन सही बात मानिएगा, ठीक है, हर बात मत मानिएगा। चलो फिलहाल हो गया हंसी मजाक, अब आगे बढ़ते हैं वरना टाइम हो जाएगा। अब इनके बच्चों लॉन्ग मार्च की तरफ हम यहाँ पे देखते हैं चलते हैं कि लॉन्ग मार्च का कॉन्सेप्ट क्या था। देखो इन्होंने माओ ने क्या किया था, इनका जो रेड आर्मी थी, इनके जो लोग थे ना रेड आर्मी, आप सुना होगा अगर आपने पढ़ा होगा लाल सेना, तो जैसे लाल कुर्ती सेना आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जब आपने कभी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सीमांत गांधी जी से कहते थे। तो फिलहाल तो अब यहाँ पे हम लॉन्ग मार्च माओ ज़ेडोंग के रेफरेंस में बात देख रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वॉज फाउंडेड इन 1921, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वॉज फाउंडेड इन 1921 एंड माओ वॉज ऑल्सो ए फाउंडर मेंबर, ठीक है। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे जो हो चुकी थी, फाउंडेड हो चुकी थी 1921 में, माओ क्या था उसका फाउंडेड मेंबर था। आफ्टर द कम्युनिस्ट ब्रिज विद द केएमटी, तो केएमटी के साथ इनका जो पार्टी वहां पे थी उनके साथ इनका कुछ अलगाव हुआ, वहां पे इनके डिस्प्यूट हुए, तो माओ ने फिर वहां पे क्या रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द पार्टी स्ट्रेटजी, माओ ने अपनी पार्टी की कुछ स्ट्रेटजी को चेंज किया, ठीक है, और फिर उसकी पार्टी की स्ट्रेटजी को चेंज किया और अक्टूबर 1934 को, याद रखिएगा ये चीज डेट याद रखिएगा, ऑन अक्टूबर 1934 को 1,00,000 कम्युनिस्ट यानी कि जो उनके रेड आर्मी जिसको बोला जाता है सेट आउट ऑन द रिमार्केबल लॉन्ग मार्च, दे कवर्ड अबाउट 6,000 आप यूं कह सकते ना 6,000 मील्स इन 368 डेज, ओके। तो इस तरीके से लॉन्ग मार्च इन्होंने कवर किया था, 6,000 मील पैदल चले थे, बहुत सी ज्यादा पहाड़ और पता नहीं कहाँ कहाँ से रास्ते में गुजरते रहे, तो काफी लंबा सोचिए 368 डेज, तो एक साल से ज्यादा समय आप कह सकते हैं 6,000 मील उन लोगों ने चला है, 1,00,000 इनके साथ लोग थे, इनके फॉलोअर्स थे। हमने आज ही बोला कि माओ ज़ेडोंग के जबरदस्त तरीके से इनके फॉलोअर्स हैं, आज भी लोग इनको लाइक भी करते हैं, कुछ लोग इनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू वर्तिका जी, थैंक यू, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को बस इसी तरीके से पढ़ाऊं और पढ़ाने के साथ साथ अपना फर्ज भी अदा करता रहूं, मतलब आप लोगों को कभी कुछ भी अगर मैं नसीहत करूं तो एकदम सही डायरेक्शन में आप लोगों को ले जाऊं ना। कि साथ ही साथ देखिए मैं आपको जब पढ़ाता हूं आप देखते होंगे मैं आपको मोटिवेट भी करता रहता हूं साथ, आपके मतलब कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें मैं बोलता रहता हूं कि इस तरीके से आपको अपना जीवन जीना भी चाहिए। बहुत बड़ा थिंकर तो मैं नहीं हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं बड़ा फिलोसफर हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस के बल पे मैं आप लोगों से ये चीज़ें बोलता हूँ, अदरवाइज तो मैं भी अभी खुद सीख रहा हूँ। तो अभी भी आपसे भी कुछ सीखने को, स्टूडेंट्स से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपने से बड़ों का भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको साथ ही पढ़ाई के साथ साथ, देखो आप पता है शिक्षा का एक मतलब ये भी होना चाहिए कि सिर्फ 4 किताबें पढ़ करके आप एग्जाम में पास हो जा रहे हो ये आपका एजुकेशन नहीं होगा, आपके अंदर कुछ तौर तरीके, आपके अंदर कुछ संस्कार भी होने चाहिए, ठीक है। हम हमेशा एक चीज सुनते रहते हैं अपने बड़ों से कि बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब, तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें मेरे दिमाग में हमेशा रहती है कि अदब, रेस्पेक्ट, इज्जत, आदर, ये चीजें जरूर होनी चाहिए। तो ऐसा एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट मैं अक्सर अपने सुनता रहता हूँ कि बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब, तो इसी तरीके से बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने भी कहा होगा सही कहा है। तो आप लोग भी रेस्पेक्ट करना सीखिए अपनों से बड़ों की, टीचर की, पेरेंट्स की बात मानिए, और हाँ अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय करिए, पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, बस सिंपल, ओके। चलें मेरी अनअकैडमी पे क्लासेस हो तो रही है भाई, रेगुलर तो मैं ले रहा हूँ आजकल, तो मैं लगातार अनअकैडमी पे क्लासेस ले रहा हूँ अपनी, ठीक है। चलें तो अब हम यहाँ पे इनके लॉन्ग मार्च को बारे में समझ लिए हैं, तो चले देखते चलते हैं माओ का अगला जो रेवोल्यूशन है वो कल्चरल रेवोल्यूशन को लेकर के, एक सांस्कृतिक क्रांति को लेकर के माओ क्या बात करते हैं, ठीक है। तो अब इनके सांस्कृतिक क्रांति के बारे में बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे। तो माओ के अनुसार जो यहाँ, तो आपको ये समझ में आ गया ना कि इनके जो मार्च थे जबरदस्त तरीके से, 1,00,000 फॉलोअर्स थे इनके साथ रेड आर्मी में, और 6,000 मील्स इन्होंने 368 डेज में कवर किए थे,
राजदीप पटवा जी, अभी प्लस पे मेरी क्लासेस नहीं हो रही, लेकिन जल्द ही क्लासेस मेरी प्लस पे भी होगी, ठीक है? तो जल्द ही आप लोगों को मैं प्लस पे मिलूंगा। अभी मैं स्पेशल क्लास और यूट्यूब क्लासेस दे रहा हूँ, तो पहले तो आप लोग यहाँ पर लीजिए और जल्द से जल्द आप लोग प्लस पर एडमिशन्स ले लीजिए। मैं यही कहूंगा प्लस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, और अभी मैंने आपको आइकॉनिक के बारे में समझाया भी था, ठीक है? ओके अक्षय जी, क्या करिए आप, बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे आप, है? कल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा था। माओ के अनुसार आर्थिक स्तर पर क्रांति के साथ साथ राजनीतिक और सांस्कृतिक क्रांति भी आवश्यक है। इसके बारे में देखिए, यहाँ पे माओ का कहना था कि सिर्फ जो क्रांति होनी चाहिए वो आर्थिक स्तर के साथ ही साथ इकोनॉमिकली लेवल पे ही नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल लेवल पे भी सिर्फ नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक कल्चरल लेवल पे भी सांस्कृतिक क्रांति भी आवश्यक है, माओ का ये मानना था, ठीक है? बिल्कुल, दांडी मार्च ऑफ गांधी, तो गांधी जी का भी दांडी मार्च बहुत ही फेमस है, नमक यात्रा आप सबको याद होगा, और सांकेतिक रूप से गांधी जी ने वहां पे नमक का कानून तोड़ा था। चले अपने अनुयायियों के साथ कितने मील चला था और कितने दिन चले थे, ये भी मैं आपको वहां पे शायद पढ़ाऊंगा, जब एमके गांधी, महात्मा गांधी मैं आपको पढ़ा रहा था वहां पे गांधी जी के बारे में, तो वहां पे मैंने कवर किया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। चलो फिलहाल तो आगे लेके चलते हैं कि इनकी पावर की फिलॉसफी को समझते हैं बच्चों। कल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि माओ सांस्कृतिक क्रांति के भी आवश्यक समझते थे, ठीक है? उसके बाद फिर यहां पे बन जाएंगे फिलोसोफर। अर्शिया, मुझे आप फिलोसोफर बोलेंगे? नहीं भैया, मैं कोई दार्शनिक वार्शनिक नहीं हूं, बस अभी तो सीख रहा हूं और आपको थोड़ा बहुत सिखा रहा हूं, और आपसे भी सीख रहा हूं और आपको भी सिखा रहा हूं, तो यही तरह सीखने सीखने सिखाने का सिलसिला चल रहा है इस समय, और कुछ नहीं। बिल्कुल एथिकल, देखिए एथिकल बहुत जरूरी है, तो इस चीज के बारे में एथिक्स वाकई बहुत ही बेहतरीन, देखो एथिक्स पता है आप कहीं कितनी किताबों से पढ़कर नहीं सीख सकते, आपके अंदर क्या चीजें हैं ना, ठीक है, वो आपका एथिक्स है। रियल में आपके अंदर जो इंसानियत ह्यूमैनिटी है वही आपका एथिक्स है, तो एथिक्स वाकई आप किसी किताब को पढ़ करके नहीं सीख सकते कभी भी, ठीक है? आपके अंदर जो चीजें होंगी, आपकी जो वैल्यूज होंगे, वो आपके सामने नजर आ जाते हैं, आपकी बातों से, आपके अंदाज से, आपके अखलाक से, वो सारी चीजें वहां पे शो कर जाती हैं। चलें फिलहाल तो आगे देखते हैं, पावर ऑफ फिलॉसफी के बारे में यहाँ पे देखते हैं। शक्ति पर सर्वाधिक बल देते हैं, देखिए इन्होंने देखिए शक्ति, हिंसा, और मतलब एक हिंसक तौर पे इन्होंने एक वायलेंट तरीके से यहाँ पे इन्होंने क्रांति की बात की है, और ये हमेशा शक्ति को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, पावर को ज्यादा फोर्स किया करते थे, और साथ ही साथ ये आर्मी पावर के बारे में बहुत जबरदस्त सपोर्टर थे, कि आर्मी व सैनिक शक्ति को महत्व ज्यादा देते थे, जैसे मैंने अभी बताया है कि वो 100,000 कम्युनिस्ट रेड आर्मी के साथ लॉन्ग मार्च पे निकल जाते हैं, अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, और काफी कुछ इन्होंने फेस किया रहता है अपनी लाइफ में, और फिर इनकी सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे देखा है। तो ये शक्ति पर सर्वाधिक बल देते हैं और सैनिक शक्ति का महत्व ये बताते हैं। चले अब बच्चों इनकी फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम इनकी फॉरेन पॉलिसी को देखिए समझेंगे ना, तो कई देश इसको फॉलो भी करते हैं। अब देखिए कितने चालाकी तरीके से आप यूं कहिए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई थी फॉरेन पॉलिसी में। तो विदेश नीति कैसे थी, आज हम माओ के विदेश नीति के बारे में समझते हैं, ठीक है? तो विदेश नीति देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, यहां से आपसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी माओ ज़ेडोंग के लेकर के, ठीक है? तो माओ किस तरीके से इनकी विदेश नीति थी, आज एकदम शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और फिर देखेंगे आगे। देखो सबसे पहले तो शत्रु देश के साथ व्यवहार करने के लिए माओ ने एक चालाकीपूर्ण विदेश नीति का प्रतिपादन किया। इसका क्या मतलब है हम समझते हैं। देखो इनका कहना था कि जो भी एनिमी कंट्री है बच्चों, एनिमी कंट्री के साथ यानी कि दुश्मन जो देश है उसके साथ हमें कैसे अपना बिहेव करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं ना, विदेश नीति के बारे में बात कर रहे हैं। आइए हम समझते हैं कि इनकी विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी किस कदर मतलब इनका क्या कहना था, तो उस पर हम जल्दी से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो इनका कहना था कि उसका विरोधी देश पर, देखिए यहाँ पे पूरी स्लाइड्स तो है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आगे की आपको स्लाइड से बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे शत्रु देश के साथ व्यवहार करने के लिए माओ ने एक चालाकीपूर्ण विदेश नीति का प्रतिपादन किया, और माओ का कहना था कि विरोधी देश पर सबसे पहले आक्रमण करना चाहिए। माओ का कहना था
कि बच्चों क्या करना चाहिए कि एनिमी कंट्री पर सबसे पहले अटैक करना चाहिए। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, स्लाइड तो है नहीं लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ लक्ष्य पूरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इनका कहना था कि जो भी हमारे दुश्मन देश होंगे उनपे क्या करना चाहिए, उनपे अटैक करना चाहिए और तब तक उनपे अटैक करते रहना चाहिए जब तक विरोधी कमजोर होकर आपसे वार्ता करने को तैयार ना हो जाए। यानी कि अटैक लगातार करते रहिए। बहुत देखिए, सीख लीजिए, इनकी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है कि विरोधी देशों पर पहले तो अटैक करिए और अटैक तब तक करते रहिए, लगातार करते रहिए जब तक कि जो दुश्मन कंट्री है वो कमजोर ना हो जाए। और कमजोर होने के बाद जाहिर सी बात है फिर ये आपसे बातचीत शुरू करेंगे, ये आपसे बात करना चाहेंगे। तो पहली इनकी पॉलिसी ये है कि दुश्मन देश पे तब तक की हमला करते रहो जब तक कि दुश्मन कमजोर ना हो जाए और वो बात करने के लिए आपसे ना कहने लगे, तब तक उस पे हमला करते रहो, पहला पॉइंट। उसके बाद क्या है, कुछ दिनों तक समझौता के लिए बातें करनी चाहिए, यानी फिर उसके बाद आप कुछ एग्रीमेंट वगैरह करो। ठीक है, कुछ ट्रीटी वगैरह, एग्रीमेंट वगैरह करो, उससे रिलेटेड उससे बातें करते रहो कि किस तरीके से समझौते के लिए बात करनी चाहिए। लेकिन समझौते की शर्त, एग्रीमेंट की शर्त ऐसे रख दो जिससे दुश्मन देश स्वीकार ना कर सके। मतलब आप समझ रहे हैं, जबरदस्त डिप्लोमेटिक यहाँ पे माओ यहाँ पे लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी, एक तो भैया दुश्मन को इतना कमजोर कर दो कि वो एकदम कमजोर हो जाए, मतलब कि इतना मजबूर कर दो कि वो इतना कमजोर हो जाए और साथ ही साथ आपसे बात करना चाहे कि चलो आइए अब हम लोग अब कुछ सुलह करते हैं और एग्रीमेंट वगैरह करते हैं, समझौता करते हैं। लेकिन समझौता कुछ ही दिन तक बात करिए, करिए नहीं समझौता, समझौता करने की कुछ दिन तक बात करिए और समझौते की शर्त ऐसी रख दीजिए कि जिसे दुश्मन कंट्री एक्सेप्ट ही ना कर सके। मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ ऐसी बातें उसको वहां पे बोल दो कि चलो ठीक है हम तुमको हमला नहीं करते हैं लेकिन पूरा अपना देश दे दो, मतलब ऐसा कुछ। तो इस तरीके से अब दुश्मन देश कहेगा अरे तो क्या बात, बात करने से फायदा क्या है इनसे, तो वो फिर आपकी शर्त को नहीं मानेगा। और जब वो आपकी शर्त को नहीं मानेगा तो ऐसा करने पर उस पे बोल दो कि शांति भंग करने का आरोप लगा दो कि सामने वाली कंट्री क्या कर रही है, ये देखिए पीसफुली समझौते को ये मतलब इसकी वायलेशन करने की कोशिश कर रही है, इसको वायलेट कर रही है जो पीसफुल हमारी ट्रीटी है। और साथ ही साथ इस बात का इस तरीके से प्रचार करना चाहिए कि सामने वाली कंट्री बिल्कुल देखिए हम तो बात करने के लिए तैयार हैं भैया, यही नहीं बात करना चाहते, मतलब इस तरीके से इस मतलब कहते नहीं कि आपका सारा कुछ आप ही का, मतलब समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप ही उस पर शोषण कर रहे हैं और आप ही उसको एकदम कमजोर कर चुके हैं और आप ही ऐसी शर्त रख रहे हैं, जान बूझ कर ऐसी शर्त रख रहे हैं कि वो शर्त को ना माने। और जब शर्त को नहीं मानेगा तो इस तरीके से हम दुनिया में प्रचार करेंगे कि देखो भैया ये शांति भंग कर रहे हैं और इसी समय शत्रु पर भयंकर आक्रमण कर देंगे, फिर हमला कर देंगे और उसके प्रदेशों पर अधिकार कर लेंगे। और देखिएगा ये माओ ज़ेडोंग की फॉरेन पॉलिसी थी, विदेश नीति थी, बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है इस फॉरेन पॉलिसी का। और देखिएगा मुझे तो ऐसा लगता है यूएसए देखिए बीच बीच में कहीं ना कहीं बात अलग है कि वो कैपिटलिस्ट कंट्री है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माओ थोड़ा बहुत यहाँ से उसने पढ़ा है माओ के बारे में। तो वो हमेशा देखिए जो यूएसए हमेशा देखिए हर जगह इंटरफेरेंस का काम करता है ना, आपने देखा होगा यूएसए हमेशा हर जगह पे बिल्कुल टांग अड़ाने का काम फॉरन शुरू कर देता है और ऐसी शर्त भी रखता है लोग माने भी ना और फिर हमला भी कर देगा, कहेगा कि यहाँ पे आतंकवाद था, यहाँ पे ऐसा था, वहां पे वैसा था। तो मतलब ऐसी कुछ पॉलिसीज है, तो ये चीजें देखेगा। लेकिन फिलहाल तो मैं यहाँ पे यूएसए की बात ना करके और दुनिया के देशों की बात ना करके मैं यहाँ पे सिर्फ माओ के विदेश नीति को आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे माओ का विदेश नीति वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि भैया लगातार अटैक करते रहो और तब तक अटैक करते रहो। राम जी आप थोड़ा सा सही नहीं लिख पाए, चित भी मेरा पट भी मेरा ऐसे बोलते ना, चित भी मेरा पति भी मेरा नहीं। कोई बात नहीं, चले तो हो जाती है गलतियां, टाइपो एरर बोलते हैं इसको, लिखने में मिस्टेक हो जाता है, मुझसे भी हो जाता है। चलो तो इस तरीके से माओ ने बताया कि इतनी जबरदस्त तरीके से आप लगातार अटैक करते रहो और अटैक तब तक करो जब तक कि दुश्मन कमजोर ना हो जाए, और जैसे ही दुश्मन कमजोर होगा तो वो आपसे बात करना चाहेगा, जब आपसे बात करना चाहेगा तो समझौता हो जाता है कि चलो चलो ठीक है आइए हम बात बातचीत करते हैं। और एक ऐसी शर्त रख दो कि वो शर्त बिल्कुल ना माने,
और जब शर्त नहीं मानेगा तो उस पर बता दुनिया में इस तरीके से उस पर आरोप लगाओ कि प्रचार कर दो, देखो सामने वाली कंट्री तो पीसफुल जो हमारे एग्रीमेंट था उसके वायलेशन कर रही है, अब हम इस पे हमला करने जा रहे हैं। तो फिर शत्रु पर हमला कर दो और उसके प्रदेशों पर अधिकार कर लेना चाहिए, ऐसा माओ ज़ेडोंग का मानना था। ये इनके विदेश नीति का हिस्सा था माओ ज़ेडोंग का, ठीक है। तो चाइनीज रेवोल्यूशन वगैरह और यूं कह लीजिए इनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी बिल्कुल ऐसी ही सोच रखती थी। तो आप माओ को देखिएगा, कुछ चीजों पे आप उनके फेवर में भी मतलब प्रॉस बोल सकते हैं, कुछ कौन से मेरे डिमेरिट्स को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है। मैंने कहा ना माओ जहाँ पे लाखों लोगों की नजर में हीरो हैं, वहीं बहुत से लोगों की नजर में ये मतलब एज अ विलन के रूप में भी देखे जाते हैं कि मतलब लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। तो फिलहाल उस पर मुझे नहीं जाना कौन पसंद करता है कौन पसंद नहीं करता है, हमें तो यहाँ पे एज अ एक पॉलिटिकल थिंकर के रूप में माओ को देखना था। तो हमने माओ के बारे में एज अ पॉलिटिकल थिंकर मैंने आपको देख लिया है कि क्या इनके विचार थे, राजनीतिक विचार थे, इनकी कुछ नीतियों के बारे में, इनके मार्क्स के बारे में, इनकी कल्चर रिवोल्यूशन के बारे में, इनकी फिलोसफी के बारे में। तो यहाँ पे हमने आपको सब कुछ देखा है और इनके कुछ मेन वर्क्स को देखे हैं। तो बच्चों यहाँ तक तो मेरा आज का लेक्चर था। चलिए 5 मिनट के अंदर एक क्विक रिवीजन करवा देते हैं और फिर मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ, और फिर कल आप सुबह 11 बजे आपसे मिलते हैं स्पेशल क्लास में, ठीक है। तो आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कल 11 बजे मेरी स्पेशल क्लास मॉर्निंग में हो रही है, तो आप मुझे वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को बारे में याद रखिएगा, और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एंड अकेडमी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस यूट्यूब चैनल पे क्लासेस नहीं चल रही है, तो आप प्लीज आप मुझे वहां पे ज्वाइन कर लीजिए तब तक जब तक क्लासेस नहीं हो रही है। ठीक है, हाँ चाइना भी देखिए हमने कहा बहुत, चाइना भी फॉलो करती है, बहुत सी कंट्रीज फॉलो करते हैं माओ को, ठीक है। माओ की फिलोसफी, माओ की जो ये फॉरेन पॉलिसी है, तो ये सारी बहुत से लोग इसको फॉलो करते हैं। पहले तो आप मुझे ये कमेंट करके बता दो चलो कि पढ़ने में कैसा लगा आज, मजा आई नहीं, लेक्चर को मजा आई, साथ ही साथ मेरे कुछ मोटिवेशनल थॉट्स, कुछ विचार आपको, कुछ चीजें कैसी लगी आप लोगों को, कुछ फीडबैक अपना दे दीजिएगा हमेशा की तरह, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया, और ज्यादा पसंद आए तो शेयर कर दिया करो, ठीक है। अब खैरुल जहां जी पता नहीं क्यों हंस रही हैं, तो हंसने का कोई रीजन भी होना चाहिए। अभी लॉफिंग थेरेपी तो हम खत्म करवा चुके हैं यहाँ पे, आज 6 बजे नहीं होगी नन्हे विचार जी, 6 बजे क्लास नहीं होगी, कल सुबह 11 बजे ही होगी स्पेशल क्लास, ओके। तो भैया खैरुल जी, खैरुल जहां खैर से रहिए, दुआ भी मेरी यही है, नाम का मतलब भी आपका खैर हो आपकी। फिलहाल तो माओ के बारे में हम कुछ 5 मिनट के अंदर की रिवीजन कर लेते हैं बच्चों, और फिर आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा लगा, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि अगर आपको पसंद आ रही है मेरी क्लासेस, तो आपके साहब सर आपको इसी तरीके से हंसते हंसाते सारे लेक्चर कवर करवाने वाले हैं। बस आप लोग भी इसी तरीके से प्यार और सम्मान बरकरार रखिएगा जैसे अभी रखें, और इस क्लास को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दिया करें। अब एग्जाम करीब आएंगे धीरे धीरे, तो आप लोग और सीरियस हो जाइएगा अपनी पढ़ाई को लेकर के, ठीक है। चलो तो लोग बता नहीं रहे हंस क्यों रहे हैं, चलो कोई बात नहीं भाई, मत बताए कोई। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 26 दिसंबर 1893 इन चाइना, शाओशांग विलेज, हुनान प्रोविंस, हुनान प्रोविंस में पीजेंट फैमिली से बिलोंग करते थे, माओ ये चांग इनके फादर थे, ठीक है। आगे हम देख के चलते हैं, माओ का चाइल्डहुड वॉज नॉट वेरी इजी एंड वॉज ऑफन बीटन बाई हिज इल टेम्पर्ड फादर, उसके साथ ही साथ इनकी जो मदर थी ये डिवोटेड बुद्धिस्ट थी। एट द एज ऑफ 8 माओ शाओशान प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, वहां पे वो कन्फ्यूशियनिज्म के बारे में अच्छे से, उसके वैल्यू सिस्टम के बारे में सीखते हैं, ठीक है। और उसके बाद 14 साल की उम्र में इनके फादर इनकी लव मैरिज ज्यादा सॉरी इनकी अरेंज मैरिज कराना चाहते थे, तो भैया ये अरेंज मैरिज के खिलाफ थे, तो इसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पे क्रिटिक्स किया है अरेंज मैरिज का, ठीक है। चलो आगे हम देख के चलते हैं, तो कभी कदार मेरी भी टंग स्लिप हो जाती है, तो माफ करिएगा आप लोग। इंटरेस्टेड इन हिस्ट्रीज में, और खासी खास इन्होंने बहुत ही ज्यादा इंस्पायर थे जॉर्ज वॉशिंगटन से एंड नेपोलियन से, ठीक है। और एट द एज ऑफ 16 माओ मूव्ड टू द हायर प्राइमरी स्कूल वेयर ही वाज बुलीड फॉर हिज पीजेंट बैकग्राउंड, ठीक है। तो उसके बाद इनको वहां पे इन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह किया, फिर लाइब्रेरियन के रूप में बीजिंग यूनिवर्सिटी पे आते हैं, और फिर 21 उससे पहले ये जब वहां पे रहते हैं तो इन्होंने रशियन रेवोल्यूशन के बारे में उसके सक्सेस स्टोरीज सुन रखी थी और काफी ज्यादा प्रेरित भी थे। इसी को ध्यान में रखते हुए 1921 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ये फाउंडर मेंबर से एक मेंबर्स होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि इनके कुछ मेन वर्क्स को, जैसे न्यू डेमोक्रेसी ऑन कोवलेशन गवर्नमेंट 1945,
ऑन कंट्राडिक्शन 1937, ऑन गोरिल्ला वॉरफेयर 1937, ऑन प्रोटेक्टेड वॉर 1938, ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक रूल 1949। अब इनके रिवोल्यूशंस को लेकर के फिर मैंने कुछ बात की है। माओ का रिवोल्यूशन का जो आइडिया था वो पॉलिटिकल थॉट्स में बहुत ही ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन देता है। द चीफ कंट्रीब्यूशन ऑफ अ मायो इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल थॉट इन हिज आइडिया अबाउट रिवोल्यूशन। ओके ओके थैंक यू। देन फिर मैंने आपको बताया है कि क्रांति होती है समाज में इंटरनल कंट्राडिक्शंस की वजह से। वो कैपिटलिस्ट क्लास और रूलिंग क्लास की यहाँ पे बात कर रहे थे, और साथ ही साथ वर्किंग क्लास के साथ साथ किसानों की मदद लेनी चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से बात की है। और फिर इनके लॉन्ग मार्च को हमने यहाँ पे देखा है कि वो अपने 100,000 रेड आर्मी के साथ 368 डेज में 6,000 माइल्स वो चलते हैं। उसके बाद इन्होंने साथ ही साथ कल्चरल रिवोल्यूशन के बारे में भी बात की है, पावर के फिलोसफी के बारे में मैंने आपसे बताया है, और इनके फॉरेन पॉलिसी के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बताया है। ठीक है, जैसे कल्चरल रिवोल्यूशन में ये क्या कहते हैं, माओ के अनुसार आर्थिक स्तर पर क्रांति के साथ साथ राजनीतिक और सांस्कृतिक क्रांति भी आवश्यक है। ठीक है, उसके साथ ही साथ फिर ये पावर ऑफ फिलोसफी में हम यहाँ देखेंगे, ये शक्ति पर बहुत ही सर्वाधिक बल देते हैं और वो सैनिक शक्ति को महत्व देते हैं। ठीक है, अब इनकी फॉरेन पॉलिसी को यहाँ पे देख के चलेंगे। इनका कहने का मतलब है कि शत्रु देशों के साथ, दुश्मन देशों के साथ इस तरीके से भैया बर्ताव करना चाहिए, तब तक कि अटैक करते रहना चाहिए जब तक कि वो कमजोर ना हो जाएं और उसके बाद आपसे बातचीत करने के लिए राजी ना हो जाएं। और जब ये आपसे बातचीत करना चाहें तो आप समझौते की शर्त ऐसी रख दो कि जो बिल्कुल ये स्वीकार ना कर सके। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ऐसा करने पर उससे शांति भंग करने का आरोप लगाना चाहिए और इस बात का प्रचार करना चाहिए, और इसी समय शत्रु पर भयंकर आक्रमण कर देना चाहिए और उसके प्रदर्शनों पर अधिकार कर लेना चाहिए। ठीक है, तो भैया माओ के बारे में, माओ जेडोंग की कुछ ऐसी थ्योरी थी। अब मैं आपको यहाँ पे लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया, रिविजन भी मैंने करवा दिया है 2 मिनट के अंदर, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। हम लोग ने बहुत एंजॉय भी किया आज पढ़ते पढ़ाते। ठीक है, और थैंक यू सभी का, प्रतीक्षा जी, अभी जी, पूजा जी, खैरुल जहां जी, और ठीक है बहुत अच्छी लगी सर, अच्छी बात है। अमृता कुमारी जी, गुड इवनिंग, लग रहा है आप अभी आई हैं। अमृता जी, क्लासेस ओवर हो गई, यहां पे फिनिश हो गई तब आप आई हैं। गाइस, मैं आपसे ये कहूंगा, जो बच्चे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो आप लोग शिकायत करते रहते हैं सर आपका नोटिफिकेशन नहीं आता, वो इसी वजह से नहीं आता कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। फिर वहां पे देखिएगा बेल आइकन पर आप सब लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे आपको मेरे यानी सैफ सर के अपकमिंग आपके लेक्चर शो होने लगेंगे, और कल भी देखिएगा बहुत शानदार लेक्चर है, मिस मत करिएगा। और मैं आपसे यही कहूंगा, इतनी मेहनत से पढ़ाई करिएगा, अनअकैडमी का जो स्लोगन है लास्ट में जाते जाते लेट्स क्रैक इट वाला, वो फुलफिल हो जाए। और एक चीज और कि कल 11 बजे आप सभी लोग याद रखिएगा, मॉर्निंग में 11 AM पर हम लोग स्पेशल क्लास लेकर के आ रहे हैं, तो प्लीज स्पेशल क्लास वहां पे आपको अनअकैडमी ऐप पे पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए, गूगल प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और वहां अपना गोल सेलेक्ट करिए NTA UGC NET। देन आप मोहम्मद सैफ अहमद नाम सर्च करिए, हमें फॉलो करिए मेरे सारे, और मेरा रेफरल कोड वहां पे यूज करिए। याद रखिएगा स्पेशल क्लास फ्री है, उसके लिए आपको एक भी रुपए नहीं पे करने हैं, बिल्कुल फ्री है, फ्री है, फ्री है। याद रखिएगा स्पेशल क्लास ऐप पे फ्री है, तो आप वहां पे बिना पे किए हुए भी मेरी क्लासेस आप देख सकते हो, और बेहतरीन तरीके से मैं वहां पे आपको चीजें कवर करा रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपका प्लस का आइकॉनिक के बारे में जो मैंने बताया है, कॉम्बैट वाला भी बताया है, 17th of January को 11 बजे से है, प्लीज उसको अनअकैडमी के साइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आप मेरी बात आपको मैं कहना चाहता हूँ, 17 को है संडे को 11 बजे से, तो कॉम्बैट वाला आपकी जो कह सकते हैं टेस्ट है उस पर जरूर पार्टिसिपेट करिए, और बहुत फायदा मिलेगा आपको, देखिएगा। एंड अगर आप प्लस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूज माई रेफरल कोड SAF10 एंड गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ओके बच्चों, तो बस यही बताना था आप सभी को, बहुत अच्छा लगा आपके प्यार के लिए, आपके सम्मान के लिए, और आपसे भी बहुत कुछ हमें यहाँ सीखने को मिलता है, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको भी बहुत कुछ यहाँ पे सिखाऊं यहाँ पे। चले, तो अब साथ ही साथ मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आएंगे, सैटरडे को मैं अब इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आया करूँगा आपके लिए, तो आपको इस सैटरडे का इंतजार करिए। ठीक है, तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको बहुत कुछ आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगा। चले गाइस, चलता हूँ अब मैं।